हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एन अदर टाइपिंग जॉब। अगर आप टाइपिंग जॉब या फिर ट्रांसक्रिप्शन जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगी कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है और आपने किस तरह से अप्लाई करना है, और ये जॉब आप बहुत इजीली जो है वो गेट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप मत करेंगे तो आपके कुछ स्टेप्स जो हैं वो मिस हो जाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ है। चले फिर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक टाइपिंग जॉब है, ये ट्रांसक्रिप्शन जॉब है। आपको यहाँ पे एक ऑडियो मिलेगी, उस ऑडियो को आपने जब प्ले करना है और वही टाइप करके आपने उनके साथ सेंड करना है, ठीक है। इस पे आपने अप्लाई कैसे करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फोन से अप्लाई करना चाहते हैं तो जब आप क्रोम ओपन करेंगे तो वहां पे आपको थ्री डॉट्स नजर आएंगे। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद लास्ट थर्ड ऑप्शन आपके पास होगा डेस्कटॉप साइट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एज इट इज लैपटॉप की स्क्रीन की तरह ओपन हो जाएगा। चले अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे अप्लाई कैसे करना है। ट्रांसक्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस फाइल पे पहुंच जाएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज है, हम यहाँ पे क्या क्या सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट जो है कंपनीज इनके साथ अटैच हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स इनके साथ अटैच हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो भी साइट है हमारे लिए ट्रस्टेबल, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे इसके एंड पे आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन जॉब, ठीक है। हम ट्रांसक्रिप्शन जॉब पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास पेज ओपन हो गया, यहाँ पे हमारे पास है रजिस्ट्रेशन फ्री नो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्री नो, यहाँ से आप करके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके साथ डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं ये अटैच्ड हैं, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये 100% जेन्युइन है, इस पे आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री नो, इस पे आप लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम है, हमारा ईमेल पासवर्ड ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यूजर नेम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या ईमेल हम अपने लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस वन एड्रेस टू सिटी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा पोस्टल कोड, अगर आपको अपना पोस्टल कोड या जिप कोड नहीं पता तो आप लोग गूगल पे जाके अपने सिटी का नेम लिखे, साथ में मेंशन करें कि पोस्टल कोड, तो वो आपको गूगल जो है वो आपको पोस्टल कोड बता देगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविंस, आप अपने वहां पे प्रोविंस लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सिटी, कंट्रीज, कंट्री में से आप यहाँ पे मतलब जो भी है वो कोई भी कंट्री जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन भी है, सारे ही कंट्रीज जो हैं वो इससे अटैच्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना जिप कोड डाल देती हूँ, सिटी का नेम डाल देती हूँ, एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस वन भी लिखेंगे हम, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे, लास्ट नेम, और यहाँ पे हमने जो पासवर्ड लिखा हुआ है हम कंफर्म पासवर्ड करते हैं। ये हमारे पास पासवर्ड आ गया, यहाँ पे हम अपनी मेल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, मेल आ गई हमारी, ठीक है। इस तरह सारी चीजें जो है वो हम फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे हमें मेरे पास फोन नंबर है, यहाँ पे हम अपना फोन नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अदर्स इंफॉर्मेशन। अदर्स इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या चीजें आ जाएंगी, अदर्स इंफॉर्मेशन में हमारे पास हाउ मेनी मिनट्स यू
कैन ट्रांसक्राइब विद 24 आवर्स। अगर आप 24 आवर्स में से मतलब कितने मिनट्स कर सकते हैं, मतलब क्या 5 मिनट्स में वो कितना बार कर सकते हैं, इसको कितना भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 10 मेंशन कर दें, जितना भी आप लोगों की कैपेसिटी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज यू आर अवेलेबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग इन अ वीक। आप वीक में कितने दिन अवेल है, ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी। आप 4 दिन काम करना चाहते हैं, 5 दिन करना चाहते हैं, या फिर विद इन फुल वीक करना चाहते हैं 7 डेज, तो आप 7 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 6 डेज करना चाहते हैं, मैं 6 लिख दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कैचअप आ जाएगा, इसे हम कम्प्लीट करेंगे, जो भी लिखा होगा उसे एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम क्या कर देंगे, क्रिएट अकाउंट नेक्स्ट हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन नाउ, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गई कंप्लीट। इसके बाद हमें आएगी एक मेल, हम अपनी जीमेल पे जाएंगे। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन हब के नाम से हमें एक मेल आई हुई है, इसे हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लिंक्स होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट लिंक हो, जो हमारे पास लिंक्स होंगे, फर्स्ट लिंक जो होता है ये हमारे पास लॉगिन के लिए होता है। सेकंड लिंक जो है ये हमारे पास, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फाइल ओपन होगी जिसमें ऑडियो फाइल होगी, ठीक है। उस ऑडियो फाइल पे जब आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोडिंग के बाद हमारे पास जो उसमें होगा उसे आपने टाइप करके अगेन आपने सेंड करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइल ओपन होगी, ये हमारे पास एक ऑडियो फाइल होगी यहाँ पे। तो फिर उस फाइल को आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसे सुनना है और उसे टाइप करके अगेन सेंड करना है। क्वेश्चन ये है कि इसे हमने सेंड कहाँ पे करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास हमें एक मेल दी गई है, इस मेल पे हमने क्लिक किया है, इस मेल पे हमने जो टाइप किया हुआ है वो हमने इस मेल पे सेंड करना है, ठीक है। ये तो हमने मतलब मेल पे सेंड कर दिया, हमारा जो था वर्क जो था वो हो गया यहाँ तक कंप्लीट, मतलब कि हमने कर लिया और इसे सेंड भी कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने जो है अपना, इसका ये है कि जब आपने डाउनलोड करनी है तो आपने विद इन 24 आवर्स में कंप्लीट करके उसे सेंड कर देना। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है बैक अस टू विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स में आपने उन्हें करना है। अब ये है कि अमाउंट जो है वो आपको कैसे मिलेगा, अकाउंट जो है, अमाउंट जो है वो आपको पेपॉल के थ्रू मिलेगा। पेपॉल का अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आपको पेपॉल का अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। पेपॉल का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। उस वीडियो को देख के आप लोग जो है वो पेपॉल का लिंक जो है वो पेपॉल का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। होप्स हो के सारे स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस रिलेटेड जॉब्स मिलती हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट होती हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि इससे और लोग जो है वो मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।